बिहार होमगार्ड बहाली में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। भागलपुर पुलिस जिले में कुल 382 रिक्तियां थी, जबकि 315 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। नवगछिया पुलिस जिले में कुल 275 रिक्तियां थी, जबकि वहां के 247 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। होमगार्ड के भागलपुर जिले के समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा के मुताबिक भागलपुर जिले के सभी सफल अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्य 27 जून को सुबह 9 बजे से और नवगछिया पुलिस जिले के सभी सफल अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्य 28 जून को सुबह 9 बजे से जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रांगण में आयोजित होगा। उन सभी सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। भागलपुर और नवगछिया पुलिस जिले के सफल अभ्यर्थियों के लिए सत्यापन के दौरान जो कागजात और प्रमाण पत्र लाना जरूरी है, उनमें पासपोर्ट साइज की 6 रंगीन फोटो, जाति एवं आवासीय का मूल और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र और अन्य सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति शामिल है। जिला समादेष्टा के मुताबिक प्रखंडवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतिम सूची जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि 4 से 16 मई तक मारवाड़ी कॉलेज मैदान में होमगार्ड बहाली के लिए शारीरिक परीक्षा और मेडिकल जांच आयोजित की गई थी। वहीं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। वहीं जिन अभ्यर्थियों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ सका, वो निराश बताए जा रहे हैं। वैसे अभ्यर्थियों ने बताया कि सालों की मेहनत बेकार गई, अब उम्र भी एक्सपायर हो गया है, अब प्राइवेट जॉब करके ही जिंदगी काटनी होगी। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने बहाली को सालों अटकाए रखा और अब जब बहाली हुई तो उसमें भी उनका चयन नहीं हो सका, जिससे वो काफी निराश है। लेकिन लंबी जिंदगी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो अब करना ही होगा। बता दें कि बिहार में 2009 और 2011 में होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी। हालांकि कुछ कारणों के कारण बहाली टलती रही। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सभी जिलों में खूब हंगामा किया, कई जिलों में आंदोलन हुए, जिसके बाद थक हार कर प्रशासन ने 2022 में दोनों सालों की एक साथ बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू की। अभी तक लगभग जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी भी कई जिलों में बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिससे वहां के अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं। वो रोज ही अपने जिले में हंगामा कर रहे हैं। वहीं भागलपुर पहला जिला है जहां बहाली के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट सत्यापन के बाद सभी को ज्वाइन कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।